यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि लौकी यानी पंपकिन है। इस लौकी को योग गुरु बाबा रामदेव ने इतना हिट कर दिया कि इसके मुरीद देसी के साथ विदेशी लोग भी हो गए। हम आपको एक ऐसे देसी विदेशी मिक्स व्यक्ति से मिलवाते हैं जो भले ही दिल्ली में रहकर वहाँ बर्गर और पिज्ज़ा खाते हों, लेकिन जब वो चित्रकूट आते हैं तो यहाँ की वादियों में उन्हें केवल लौकी की बर्फी ही भाती है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ और उन्होंने दिल्ली में मंगाकर भी लौकी की ही बर्फी खाई। चित्रकूट में इस तरह की अनेक कहानियाँ छिपी हुई हैं। अब आपको हम बताते हैं उस अद्भुत राजनेता का नाम जिसको चित्रकूट की धरती पर आकर लौकी की बर्फी वह भी एक ही दुकान की बेहद पसंद है। यह राजनेता हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, जो इस समय वैसे तो शांत दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन इनके शौक अजीबोगरीब हैं। वैसे इनके शौक उनको नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो इनके सलाहकार इनको लगातार सलाह देते हैं ये वैसे ही करने लगते हैं। कभी ये मंदिर जाते हैं तो जाकर वहाँ पर भिन्न भिन्न देवताओं के पास आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो। कभी ये मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर दुआ करने लगते हैं। कभी ये चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर भी अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के लिए बार बार प्रेयर करते हैं। जब कभी इन्हें गुस्सा आता है और लोग इनकी नागरिकता या धर्म पर सवाल उठाते हैं तो ये खोलकर जनेऊ भी दिखा देते हैं। ऐसा करने वाले भारतीय राजनीति के ये इकलौते राजनेता हैं। वैसे कांग्रेस के इस दिग्गज 50 साल पर युवा नेता की एक खासियत यह भी है कि मंदिर में जाकर दुआ कर लेते हैं और मस्जिद में जाकर प्रणाम कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं आपको राहुल गांधी का लौकी से प्रेम और लौकी के हलवे की बात बताने वाला था और कहाँ मैं आपको राहुल गांधी की अन्य महान खूबियों की चर्चा में उलझाने लगा। तो सुनिए, राहुल गांधी चित्रकूट में पहली बार फरवरी 2005 में आए। वह यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने आए थे। पहली बार वह रामघाट आए और रामघाट में उन्होंने मोदनवाल स्वीट्स में लौकी की बर्फी खाई। यह तो रही लौकी की बर्फी की कहानी। अब आपको हम बताते हैं कि लौकी की बर्फी खाने के पहले चित्रकूट में राहुल बाबा ने क्या क्या और किया। वह चित्रकूट में कामतानाथ प्रमुख द्वार पहुँचे। यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। उनको दर्शन संत मदन दास ने कराया। भगवान का प्रसाद भी मिला। इस दौरान उन्होंने संतों के साथ बैठकर काफ़ी देर तक देश की राजनीति धर्मनीति के बारे में गहन चर्चा करी और उनसे पूछा कि आखिर वो जुगाड़ बताइए जिससे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। इस दौरान वहाँ पे संतों ने, खासकर मदन दास जी ने, उनको चुपचाप पूरी तरह से जुगाड़ बताए। उन जुगाड़ों को उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा। वैसे उन्होंने एक अपना वक्तव्य मंदिर के रजिस्टर में भी लिखा ताकि सनद रहे कि वह चित्रकूट आए थे। लौटते वक्त उन्होंने स्थानीय विधायक नीलांशु चतुर्वेदी से कहा कि मुझे जलेबी खानी है, लेकिन जब वह मोदनवाल स्वीट्स पहुँचे तो वहाँ उन्हें लौकी की बर्फी बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने आसपास के लोगों को बुला के मोहल्ले के बच्चों के साथ में फ़ोटो भी खिंचा ली। मोदनवाल को हाथ से भी लिख के दे दिया कि आखिर उनको बर्फी क्यों अच्छी लगी। अब आज का हाल यह है कि मोदनवाल स्वीट्स को विकास की भेंट में निपटा दिया गया है। यहाँ बुलडोजर चल गया और मोदनवाल स्वीट्स नामक दुकान के साथ ही आसपास बना तमाम दुकानें और सुलभ कॉम्प्लेक्स पूरी तरह ढह चुका है। यह दिनेश मोदनवाल अपने हाथ में राहुल गांधी की
उसी तस्वीर को लेकर बता रहे हैं कि आखिर उनके साथ में हुआ क्या था और उन्होंने राहुल से क्या बात की। आपके यहाँ राहुल गांधी कब आए थे? फरवरी 2005 में पहली बार आए और फिर दोबारा 2008-17 अप्रैल को आ गए। आपके यहाँ क्या किया था? आकर के नाश्ता उन्होंने किया, लौकी का बर्फी खाया, पानी पिया, बैठ करके हमारा उनका चित्रकूट के बारे में सारी जानकारियाँ उन्होंने हमसे ली, उन्होंने सब कुछ बताया, यहाँ का लोकेशन और यहाँ की गरीबी के मामले में बताया, यहाँ कैसी आर्थिक स्थिति लोगों की है, कैसे लोग जी रहे हैं, केवल यहाँ के लोग मेले के अधीन रहते हैं और यहाँ ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं ना यहाँ कोई और रोज़गार है, यहाँ से हमेशा पायलन होता है लोगों को, बेरोज़गार लोग बाहर की ओर भागते हैं, बड़े बड़े शहरों की ओर, यहाँ केवल तीर्थ है, जब मेला होता है तभी यहाँ के लोगों के पास आमदनी है, नहीं तो इनके पास कुछ नहीं है। अपना हम इसी तरह अपनी रोजी रोजगार यही चला रहे हैं, छोटी सी दुकान थी उसको भी गवर्नमेंट ने आधी तोड़ दिया, बताइए हम लोग अपने इस उम्र में 55 साल की उम्र में अब कहाँ भटक करके कहाँ बैठेंगे। तो दोनों बार उन्होंने लौकी की बर्फी खाई और कुछ खाया था? लौकी की बर्फी। अच्छा, तो और उन्होंने आपके लिए कुछ संदेश दिया था कुछ? और हमारे हमको उन्होंने अपने दिल्ली बुलाया था, मैं उनके पास दिल्ली भी गया हूँ, मिला हूँ उनसे, वहाँ पर राजा रामजी त्रिपाठी मेरे साथ गए हुए थे, सतना जो जिला अध्यक्ष उस समय थे वो भी मेरे साथ थे और 2-3 लोग थे, हम लोग सब लोग थे। आपको लिख के भी कुछ दिया था शुभकामनाएं? मुझको दिए है अपना पूरा एड्रेस दिया था, अपना व्यक्तिगत नंबर भी दिया है मुझको उन्होंने। अभी आपकी बात होती है कभी? अभी कभी कभी हो जाती है। अच्छा, तो आप उनको यहाँ का समाचार देते रहते हैं? हाँ। अभी आने का तो नहीं है चित्रकूट? अभी का ऐसा कुछ नहीं। अब बड़ी बात यह है कि दुकान गिर चुकी है और यहाँ पर मिठाई बनना बंद हो चुका है। इसको लेकर जब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से बात की गई तो उनका जवाब कुछ इस प्रकार था। गंगा बह रही है तो उस पर अतिक्रमण में तोड़ा गया है, तो उनमें तमाम ऐसी भी जगहें टूट गई हैं जहाँ पर हमारे तमाम वरिष्ठ लोग आए, कभी चित्रकूट घूमने राहुल जी भी एक बार आए थे, उनका यहाँ शिविर चला था राष्ट्रीय रामायण मेले में, तो उन्होंने दिनेश मोदनवाल के यहाँ लौकी की बर्फी खाई, वो दुकान भी टूट गई है। कोई बात नहीं, अब तो विकास हो रहा है तो विकास में तो चीज़ें होंगी ही, साफ सफाई होगी तभी विकास हो पाएगा। तो अब आगे अगर कभी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता आते हैं तो हमारे यहाँ एक बाजार है खोही में जो अनादिकाल से चली आ रही है, बहुत पुरानी बाजार है, हम उनको वहाँ उपलब्ध कराएंगे, ये तो सब होगा आगे जैसा भी है देखा जाएगा। फरवरी 2005 में चित्रकूट में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है, यहाँ पर राहुल गांधी आते हैं और राहुल गांधी पहली बार यहाँ पर मोदनवाल स्वीट्स में आकर लौकी की बर्फी खाते हैं। उनको लौकी की बर्फी इतनी भाती है कि दोबारा 2008 अप्रैल को जब वो चित्रकूट और बांदा हमीरपुर और मध्य प्रदेश के पूरे इलाके में गरीबी को देखने आते हैं, भुखमरी को देखने आते हैं, तो दोबारा मोदनवाल स्वीट्स में फिर पहुँचते हैं। दोबारा आने के बाद उनकी दोस्ती यहाँ के दिनेश मोदनवाल जो उसके दुकान के प्रोवाइडर हैं उनसे हो जाती है, लगातार संपर्क में रहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अतिक्रमण के नाम पर इनकी दुकानों को साफ कर दिया गया है तो अगर राहुल गांधी चित्रकूट आए तो अब लौकी की बर्फी वो कहाँ पे खाएंगे?